वो है क्या तुम्हारा सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड? तो जब हम लोग सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड की बात कर रहे हैं, तो ये कब आया था? जब नेपोलियन फ्रांस को रूल करता था, कब से कब तक? 1799 टू 1815 तक। आई बात समझ में? इसने सारे पावर्स अपने हाथ में लिए थे 1799 में, और ये फ्रांस का क्या बन गया था? फर्स्ट कंसल बन गया था, यानी कि जिससे परमिशन लेके सारे काम किए जाते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, एक नेपोलियनिक कोड में सबसे पहले क्या हुआ था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ क्या कर दी थी? अबॉलिश कर दी थी। राइट टू प्रॉपर्टी मिला था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन क्या हो गए थे? सिंप्लीफाई। फिर से, पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश हो गई, थर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन पर सिंप्लीफाइड। अबॉलिश एक और चीज हुई थी, फ्यूडल सिस्टम। पीजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया था, गिल्ड्स का रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ था। फिर से बोले, दो चीजें अबॉलिश कर दी, पहला प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ और दूसरा फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ आई थी, राइट टू प्रॉपर्टी आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन सिंप्लीफाई हो गए थे, पीजेंट्स सर्वडम से फ्री हो गए थे, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हट गई थी, और लास्टली क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया था, ठीक है। मिलिट्रली क्या नेगेटिव चीज थी? तो बोला, पहली बात, नेपोलियन एक ऑप्रेसर था, मतलब अत्याचारी था। किन लोगों के लिए? कॉन्कर्ड टेरिटरी के लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? कॉन्कर्ड टेरिटरी के लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंडली टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी, टैक्सेशन बहुत ज्यादा था और सेंसरशिप भी बहुत ज्यादा थी। और मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी थी या मैंडेटरी थी? मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी थी या फिर मैंडेटरी थी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हर बार एग्जाम में आए, बहुत जरूरी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आज तक आया नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि फ्रांस में नेशनलिज्म इवोक करने के लिए क्या क्या चीजें की गई थी। तो हम लोग बोलते हैं कि जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुई थी, कब हुई थी? 1789 में। तो जो पावर है वो कहाँ से ट्रांसफर हो गया था? मोनार्की से फ्रेंच पीपल के पास ट्रांसफर हो गया था। जो पावर था वो मोनार्की से फ्रेंच पीपल के पास ट्रांसफर हो गया था। आइडियाज आए थे, पहला फादरहुड के और सिटीजन के। नया फ्रेंच फ्लैग आया था, जिस जो कैसा था? ट्राई कलर। और इसने किसको रिप्लेस किया था? रॉयल स्टैंडर्ड को। नया फ्रेंच फ्लैग कौन सा था? ट्राई कलर। इसने किसको रिप्लेस किया था? रॉयल स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो फ्रांस को आजादी का, फ्रांस ने पावर कब लिया मोनार्की से? 1789 में। उस टाइम किसके आइडियाज आए? ला फादरहुड के और सिटीजन के। नया फ्रेंच फ्लैग आया जो कि क्या था? ट्राई कलर। इसने किसको रिप्लेस किया था? रॉयल स्टैंडर्ड को। एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके अब यहाँ नेशनल असेंबली बनी थी। एस्टेट जनरल वॉज रिप्लेस बाय नेशनल असेंबली। एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम आया था। क्या आया था? एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम आया था। इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश हो गए थे, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश हो गए थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर आया था। और फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। 1789 याद रखना। तो एब्सोल्यूट मोनार्की से पावर गया लोगों के पास, आइडिया आए फादरहुड के और सिटीजन के, नया फ्रेंच फ्लैग आया जो कि ट्राई कलर था, इसने किसको रिप्लेस किया? रॉयल स्टैंडर्ड को। एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बनाई गई, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम आया, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश कर दी है, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स आए, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये क्या है? सेलिन फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। लिबरल नेशनलिज्म 2 मार्क में आता है कि लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? तो हमने बोला, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। फिर से, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो दो चीजें लिखनी है, एक फ्रीडम ऑफ मार्केट, दूसरा अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जोलेवरिन क्या था? कस्टम यूनियन। जोलेवरिन क्या था? कस्टम यूनियन।
बना था 1834 में, कब बना था 1834 किसके इनिशिएटिव से, प्रूशिया के इनिशिएटिव से, किसके इनिशिएटिव से, प्रूशिया के इनिशिएटिव से, क्या करा, टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश कर दिए और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके कितनी कर दी, 2। तो जोलेवरीन क्या था, कस्टम यूनियन, कब बना था 1834, किसके इनिशिएटिव से बना था, प्रूशिया। दो काम करे, टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश कर दिए और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके 2 पे कर दिए। ओके, नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म क्या था, कंजर्वेटिज्म एक पॉलिसी थी जिसमें बोलते थे मोनार्की जो है, जो राजा है उसको प्रिजर्व करो, चर्च को प्रिजर्व करो, सोशल हायरार्कीज को प्रिजर्व करो। कंजर्वेटिज्म का माहौल कब आया था, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, क्योंकि नेपोलियन बहुत नए नए आइडियाज लेकर आया था, तो नेपोलियन जब बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया तो बोला जितने भी आइडियाज थे नेपोलियन के सबको स्क्रैप करो, पुराना जो चर्च को अथॉरिटी मिलती थी, जो राजा को अथॉरिटी मिलती, इन सबको इनकी अथॉरिटी देकर छोड़ो, यानी कि ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स पर ऑटोक्रेसी, एक बंदे का राज होना चाहिए। इन इस तरह की गवर्नमेंट को आप बुराई नहीं कर सकते, दे वर नॉट टॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। इन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लगाई कि आप मन से कुछ भी छाप नहीं सकते, आई बात समझ में, और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, दे डिस्करेज एनी क्वेश्चंस दैट चैलेंज देयर लेजिटिमेसी। मतलब आप मोनार्क को नहीं बोल सकते आपको ये पावर किसने दिया, उनके पास है तो है, इज दैट क्लियर। चलो, कोई सी भी मजीनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल छोड़ के इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। तो ग्यूसेप्पे मज़ीनी कौन था, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, 1807 में बॉर्न हुआ था, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का मेंबर बना था, 1831 में इसको देश निकाला कर दिया था, यानी कि एग्जाइल पे भेज दिया था, क्योंकि इसके अंदर नेतागिरी आई और इसने लुगुरिया में लोगों को भड़काया कि सरकार के अगेंस्ट काम करो। तो कौन था, रेवोल्यूशनरी था, कब पैदा हुआ, 1807 में, किसका मेंबर बना, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी, देश से कब निकाला गया, 1831 में, क्यों निकाला गया, बिकॉज उसने लिगोरिया में अपसर्च अटेम्प्ट किया था। इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कर चुके हैं, कौन सी, यंग इटली मार्सिलीज में, और यंग यूरोप बर्ने में। इसको चाहिए था कि यूरोप, हम लोग इटली को क्या करें, यूनाइट कर दें इनटू अ सिंगल नेशन। इसे क्या बोला जाता था, वन मोस्ट वॉसिफेरस, वॉसिफेरस मतलब खतरनाक, जिसको हराया न जा सके, मोस्ट वॉसिफेरस एनिमी ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मेटर्निक ने बोला ये क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने बोला था, तो मेटर्निक ने बोला था, किसके लिए बोला था, ग्यूसेप्पे मज़ीनी के लिए बोला था, कि कौन है मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन की फटाफट, ग्रीक रिवोल्यूशन कब हुआ था, ग्रीक रिवोल्यूशन हुआ था 1830 में, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किससे ली, ओटोमान एम्पायर से। ये ओटोमान एम्पायर इस पे कब से राज कर रहा था, 15 सेंचुरी से, ठीक है, 15 सेंचुरी से ओटोमान एम्पायर किसको रूल कर रहा था, ग्रीस को। ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ ओटोमान एम्पायर सिंस 15 सेंचुरी, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर नेशनलिज्म हुआ, कब, यूरोप में नेशनलिज्म हो रहा था, तो ग्रीक ने बोला हमको भी क्या चाहिए, आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए, ओटोमान एम्पायर से, ठीक है ना। इसको किसका सपोर्ट मिला, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, किसका सपोर्ट मिला, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का। जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनको लगता था नहीं, पुराना ग्रीक कल्चर, ग्रीस का लिटरेचर बहुत अच्छा है, और इन्होंने 1821 के इस रिवॉल्यूशन को क्या किया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, आई बात समझ में। 1832 में, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तुम कुछ तो भी बोल देते हो इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, जिसने ग्रीक को रिकग्नाइज किया, जिसने ग्रीस को रिकग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या कहते हैं इसे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
किससे आजादी ली? ओटोमान एम्पायर से। ओटोमान एम्पायर इसको कब से रूल कर रहा था? 15th सेंचुरी से। इनको बुद्धि कब आई? जब यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी। 1821 में इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। इनको किनसे सपोर्ट किया? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया, पोएट ने सपोर्ट किया, आर्टिस्ट ने, जो किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रीक कल्चर और लिटरेचर से इंस्पायर्ड थे। एग्जाम्पल लॉर्ड बायरन। ओके, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने देखा था क्या? सबसे पहली चीज जो पिछले कुछ सालों से बहुत आ रही है वो कौन सी आ रही है? नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, या फिर व्हाट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा क्या कि हाउ डिड बाल्कन बिकेम द रीजन द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर नेशनलिज्म स्टेन्ड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू अ डिजास्टर। ये क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर सबका क्या लिखना है? एक ही लिखना है। तो आंसर क्या बोल रहा है कि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कब कन्वर्ट हुआ? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। कब कन्वर्ट हुआ? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। कहाँ हुआ? बाल्कन रीजन में 1871 में। कहाँ हुआ? बाल्कन रीजन में 1871। ठीक है, फिर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तो इसकी कहानी कब स्टार्ट हुई? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। वन टू, कब? बाल्कन रीजन 1871। बाल्कन रीजन में कौन कौन थे? कोई भी तीन रीजन याद कर लेना, रोमानिया, अल्बानिया, बल्गेरिया, ग्रीस। ठीक है, कोई भी तीन याद करना, मोर देन इनफ है। चौथा, दो रीजंस थे जिस वजह से ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था। दो रीजंस थे जिसकी वजह से ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था। पहला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर, और दूसरा, आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। ठीक है, यूरोप सब्जेक्ट नेशनैलिटीज, यूरोप सब्जेक्ट नेशनलिटीज ने क्या किया था? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी थी। यूरोप सब्जेक्ट नेशनलिटीज, यूरोप सब्जेक्ट नेशनलिटी का मतलब होता है वो छोटे मोटे देश जिन पे यूरोपियन पावर्स राज करते थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इनको चाहिए थी कि हमारे इतने सालों जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस थी, वो इनको क्या चाहिए थी? वापस चाहिए थी। लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंट, ये क्या करना चाहते थे? गेन बैक करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? गेन बैक करना चाहते थे। आई बात समझ में? बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ये एक दूसरे से बहुत जलते थे और दूसरे की टेरिटरी अपने अंदर करना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स थे, इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स थे, उन लोग में भी इंटेंस राइवलरी थी चार चीजों के लिए। उनमें भी इंटेंस राइवलरी थी चार चीजों के लिए। कौन सा? ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल माइट, मिलिट्री माइट। ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल माइट, मिलिट्री माइट। आई बात समझ में? और इसलिए ये लोग भी इन लोगों के साथ, बाल्कन के साथ लड़ने लग गए। आ रही है बात समझ में? इन सारे इवेंट्स की वजह से अल्टीमेटली क्या ट्रिगर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब? 1914 में। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो वन मार्कर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन पे एमसीक्यूज बनेंगे, और अगर पूरा आंसर ही बनता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीज नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने अलग अलग नेशन को क्या करा था? किसी ना किसी फीमेल एलिगरी से रिप्रेजेंट किया था। हम लोगों ने अलग अलग नेशन को किसी ना किसी फीमेल एलिगरी से क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। एग्जाम्पल, फ्रांस को किससे रिप्रेजेंट किया था? मैरियान से। जर्मनी को किससे किया था? जर्मेनिया से। फ्रांस की जो मैरियान थी वो कौन से आइडियाज बताती थी? लिबर्टी और रिपब्लिक के। आई बात समझ में? इसके अलावा दूसरी चीजें क्या थी बेटा? ब्रोकन चेन्स, लिबर्टी बता रही थी। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, स्ट्रेंथ बता रहा था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म बता रहा था। स्वॉर्ड क्या बता रहा था? रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच क्या बता रहा था? विलिंगनेस टू मेक पीस। और रेज ऑफ द राइजिंग सन क्या बता रहा था? बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राइकलर, ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राइकलर किसका था? लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था। किसका फ्लैग था? लिबरल नेशनलिस्ट का। इज दैट क्लियर? सुनो, ब्रिटिश एशियन स्टेट नहीं था प्रायर टू 18th सेंचुरी। यहाँ पर तीन तरह के लोग रहते थे। कौन? इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट। कौन तीन तरह के लोग रहते थे? इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट। आई बात समझ में? तो ब्रिटेन नेशन स्टेट नहीं था।
तक 18 सेंचुरी तक तीन तरह की एथनिक लोग रहते थे यहाँ पर, कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्स, आई बात समझ में? इन सब में स्टेडी ग्रोथ ऑफ पावर की वजह से, इंग्लिश क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। स्टेडी ग्रोथ ऑफ पावर की वजह से इंग्लिश क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। 1688 में, 1688 में, 1688 में इंग्लैंड ने खुद को नेशन स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया। 1688 में इंग्लैंड ने खुद को एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश कर लिया, मोनार्की से पावर अपने हाथ में ले लिया, सीज कर लिया, छीन लिया। किससे पावर? किससे? मोनार्की से। कब? 1688 में, ठीक है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। 1688 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। कैसे बना? एक्ट ऑफ यूनियन से। कैसे बना? एक्ट ऑफ यूनियन से। किसके बीच में साइन हुआ एक्ट ऑफ यूनियन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। किसके बीच में साइन हुआ एक्ट ऑफ यूनियन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से दोनों से डोमिनेंट था, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें मेंबर्स भी किसके ज्यादा थे? इंग्लिश के ज्यादा थे। 1807 में, 1801 में, 1801 में इंग्लैंड ने क्या करा? आयरलैंड को फोर्सिबली अपने अंदर मिला लिया। इंग्लैंड ने फोर्सिबली आयरलैंड को अपने अंदर मर्ज कर लिया आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्यूशन, आफ्टर अ फेल्ड रेवोल्यूशन बाय गुल्फी एंड हिज आयरिश मैन। आफ्टर अ फेल्ड रेवोल्यूशन बाय गुल्फी एंड हिज आयरिश मैन। 1688 उन्होंने खुद को एक नेशन स्टेट डिक्लेयर करा मोनार्की से पावर सीज करके। 1707 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। 1801 में इंग्लैंड आयरलैंड फोर्सिबली किसने ले लिया? इंग्लैंड ने, आफ्टर अ फेल्ड रेवोल्यूशन बाय गुल्फी एंड हिज आयरिश मैन। आई बात समझ में? एक नया ब्रिटेन नेशन बना जिसका ब्रिटिश फ्लैग क्या था? यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या था? गॉड सेव आवर रूलर किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज उनकी नेशनल लैंग्वेज बन गई। इज दैट क्लियर? ऑफ इटली, इटली अपने आप में क्या था? पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था शुरू से। किस चीज में पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था? इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेट्स। इटालियन प्रिंसली हाउस किसको रूल करता था? सर्डिनिया पीडमोंट को। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स किसको रूल करते थे? नॉर्थ को। सेंटर को कौन करता था? पोप। साउथ को कौन करता था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। इटली का हिस्ट्री में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। कितने स्टेट्स में? सेवन स्टेट्स में। सर्डिनिया पीडमोंट, इटालियन प्रिंसली हाउस, नॉर्थ, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर, पोप, साउथ, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इटालियन लैंग्वेज की बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, ठीक है। 1830s में ग्विसेपी मजीनी ने एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया इटली को यूनाइट करने के लिए। उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कितनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी? दो। एक बनाई थी यंग इटली और एक बनाई थी यंग यूरोप। दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, कौन सी? एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। आई बात समझ में? यंग इटली और यंग यूरोप की मदद से इसने दो बार क्या करी? अपराइजिंग प्लान करी, लेकिन दोनों बार उसकी अपराइजिंग फेल हुई। कब? 1831 में और 1848 में। दो बार अपराइजिंग प्लान करी, दोनों बार अपराइजिंग फेल हो गई, 1831 और 1848 में। आई बात समझ में? इसके फेलियर को देख के किंग विक्टर इमानुएल टू, जो कहाँ का था? सर्डिनिया पीडमोन का, उन्होंने बोला मैं यूनिफिकेशन करूंगा। इनका चीफ मिनिस्टर कौन था? काउंट केवल। इनका चीफ मिनिस्टर कौन था? काउंट केवल। 1859 सर्डिनिया पीडमोन ने क्या करा? अलायंस करी किसके साथ? फ्रांस के साथ। और किसको हराया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। किसको हराया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। और गुइसेपी गैरिबाल्डी के अंडर, की लीडरशिप के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। 1859 के बाद कब? 1860 में सर्डिनिया पीडमोंट की फोर्सेस कहाँ गई? साउथ इटली गई। साउथ इटली में किसको भगा दिया? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को। आई बात समझ में? और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज अपने अंडर कर लिया। 1859 में फ्रांस को के साथ अलायंस करी, ऑस्ट्रियन किंग्स को हटाया। 1860 में कहाँ गए? साउथ इटली में गए, जहां पर क्या करा? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और स्पेनिश
स्पेनिश रूलर्स को क्या कर दिया, ड्राइव आउट कर दिया। 1861 में किंग विक्टर इमानुअल जो था उसको क्या करा, यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर करा गया, और रोम को क्या डिक्लेयर किया, इसका कैपिटल। क्या ये आंसर आसान है, क्या ये याद हो गया? चलो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो 1848 में, हाँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो 1848 में जितने भी मिडिल क्लास जर्मन्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जर्मनी को क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जर्मन कॉन्फेडरेशन को क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं। कैसे, एज अ नेशन स्टेट, कैसे, एज अ नेशन स्टेट। लेकिन प्रूशिया में इन लोगों के जितने भी नेशन बिल्डिंग एक्ट थे वो सारे क्या कर दिए, रिप्रेस कर दिए। क्या कर दिए, सप्रेस कर दी। किसने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने। और इनको किसका सपोर्ट मिला, इनको सपोर्ट मिला बड़े बड़े लैंड ओनर्स का, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जंकर्स। यानी कि अगर वन मार्क में पूछते कि जंकर्स क्या होते हैं तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि जंकर्स क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो लीडरशिप किसने ली, प्रूशिया ने ली। प्रूशिया की लीडरशिप में क्या हुआ, नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें लीडर कौन था, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, ओटोमान मिस्मार्क। ओटोमान मिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो अगर तुम्हें एमसीक्यू में आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी, तो जवाब क्या होगा, ओटोमान मिस्मार्क। और यही चीज इटली के लिए आती है, तो वैसे भी मजे की मत लिखना, काउंटी केवल लिखना। ठीक है ना। प्रूशिया ने 7 साल में कितनी वॉर्स लड़ी, तीन। प्रूशिया ने 7 साल में कितनी वॉर्स लड़ी, तीन वॉर्स लड़ी। और किस किस को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। किसको हटाया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। जब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया तो 18 जनवरी 1871 में जर्मन एम्पायर का जर्मन एम्परर किसको बनाया गया, केजर विलियम वन को। किसको बनाया गया, केजर विलियम वन को। कहाँ बनाया गया, हॉल ऑफ मिरर्स में। हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। आई बात समझ में? और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद प्रूशिया की डोमिनेंस पूरे यूरोप में बढ़ गई। जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद प्रूशिया की डोमिनेंस पूरे यूरोप में बढ़ गई। और इन्होंने किस चीज पे काम किया, मॉडर्नाइजिंग, चार चीजें। मॉडर्नाइजिंग चार चीजें, कौन सी चार चीजें, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स। करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स। इज दैट क्लियर? चलो, कांग्रेस ऑफ वियना कब बनी थी, 1815 में। याद रखना, जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था और निपट गया था, तो ऐसे में उसने बहुत सारी टेरिटरीज अपने अंदर क्या करके रखी थी, कॉन्कर करके रखी थी। अब इसको जिन्होंने हराया था उन सबको कुछ ना कुछ फायदे वाली चीज चाहिए थी, तो कौन कितना एरिया रखेंगे, जो पहले किसके पास था, नेपोलियन के पास। ये सारी कहानी कहाँ डिसाइड हुई, कांग्रेस ऑफ वियना। तो कांग्रेस ऑफ वियना कब आई थी, 1815 में। कब आई थी, 1815 में। क्यों आई थी, टू ड्रॉ अ न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप। जब नेपोलियन ओवरथ्रो हो गया था, कब, जब नेपोलियन ओवरथ्रो हो गया था, टू ड्रॉ अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। टू ड्रॉ अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। पहला क्या था, याद रखना, बर्बन डायनेस्टी किसको दे दी थी, फ्रांस को। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी पहले पावर से हटा दी गई थी, तो उसको पावर में क्या करा, वापस से लेकर आए। सेकंड, फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज। फ्रांस को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी थी क्या, वो सारी टेरिटरीज जो उसने किसके अंदर कॉन्कर करी थी, नेपोलियन के अंदर। तो पहला, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। दूसरा, फ्रांस वाज डिस्पोज ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज। किंगडम ऑफ नेदरलैंड, नेदरलैंड में कौन इंक्लूडेड था, बेल्जियम। कहाँ बना, नॉर्थ में। जिनोआ कहाँ बना, साउथ में, ताकि फ्रांस ना नॉर्थ में एक्सपांड कर पाए ना ही साउथ में एक्सपांड कर पाए। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, कहाँ बना था, नॉर्थ में। जिनोआ कहाँ बना था, साउथ में। क्यों बना था, फ्रांस का एक्सपेंशन कंट्रोल करने के लिए। आई बात समझ में? प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली थी, प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली थी, इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, नॉर्दर्न इटली। रशिया को क्या मिला था, पोलैंड। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, नॉर्दर्न इटली। रशिया को क्या मिला था, पोलैंड। पर नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी,
नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, वो चेंज नहीं की गई थी। ठीक है, नॉर्थ में कौन रहा था? नीदरलैंड और बेल्जियम। साउथ में जिनोआ। ठीक है, प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली, रशिया को पोलैंड। नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, उसको चेंज नहीं किया गया था। इज दैट क्लियर? कब बनी थी कांग्रेस ऑफ वियना? 1815। जब नेपोलियन किसमें हार गया था? बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। क्यों बना था? एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाने के लिए। इज दैट क्लियर?